नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। एंटी करप्शन ब्यूरो गुरुग्राम की टीम ने रेवाड़ी में फायर ऑफिसर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों काबू किया है। फायर ऑफिसर एनओसी रिन्यू करने के एवज में 1,00,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था, जिसके बाद शिकायत के आधार पर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने जाल बिछाया और फायर ऑफिसर को रंगे हाथों काबू कर लिया। मिली जानकारी के मुताबिक धारूहेड़ा स्थित विपुल गार्डन सोसाइटी की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से फायर एनओसी रिन्यू कराने के लिए दमकल केंद्र में आवेदन किया गया था। आरोप है कि फायर ऑफिसर सज्जन सिंह सांगवान ने फायर एनओसी रिन्यू करने की एवज में आरडब्ल्यूए प्रधान कंवर सिंह से 1,00,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। एनओसी जारी करने के बदले 40,000 रुपए फायर ऑफिसर को दिए जा चुके थे, जिसके बाद भी एनओसी जारी न करने पर आरडब्ल्यूजी प्रधान ने एससीबी को सूचना दी। वहीं फायर ऑफिसर कंवर सिंह से एनओसी जारी करने के लिए और पैसों की रिमांड कर रहा था। फायर ऑफिसर सज्जन सिंह सांगवान ने रिश्वत लेने के लिए कंवर सिंह को अपने रेवाड़ी स्थित कार्यालय में बुलाया था, जिसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो गुरुग्राम की टीम भी रेवाड़ी पहुंच गई। प्रशासन की ओर से जिला राजस्व अधिकारी राकेश कुमार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। फिर कंवर सिंह रिश्वत की मांग लेकर रेवाड़ी स्थित दमकल केंद्र में पहुंचे। कार्यालय में रिश्वत के 30,000 रुपए लेते ही एंटी करप्शन ब्यूरो के इंस्पेक्टर रणबीर सिंह की टीम ने इसे रंगे हाथों काबू कर लिया। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम आरोपी को अपने साथ ले गई। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम मामले की जांच कर रही है। रेवाड़ी से हमारे संवाददाता भानु शर्मा की रिपोर्ट। सर, मेरा नाम कंवर सिंह है। मैं विपुल गार्डन सोसाइटी की आरडब्ल्यू का अध्यक्ष हूँ। मैं फायर एनओसी के लिए फायर डिपार्टमेंट में रूटीन रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया था, जो ऑनलाइन रिजेक्ट कर दिया ये कह के कि भाई हार्ड कॉपी नहीं थी। मैंने हार्ड कॉपी रिसीविंग है मेरे पास। फिर 1,00,000 रुपए फायर अफसर ने डिमांड किया मेरे को कि भाई रिश्वत दे दो। मैंने 40,000 रुपए दे दिए। फिर उन्होंने बोले भाई 1,00,000 रुपए देने पड़ेंगे। मैंने 30,000 रुपए आज विजिलेंस के सामने दे दिए। मैंने बोला कि मैं सोसाइटी का कोई भी पैसा नहीं दे सकता, मेरी पेंशन से ले लो जो लेना है। लेकिन वो बोले कि हमें 1,00,000 रुपया ही चाहिए। तो मैंने विजिलेंस को रिपोर्ट किया मैटर। उन्होंने रंगे हाथों पॉकेट में लेता हुआ और गवाह के साथ में और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पैसा लिया, कबूला कि हाँ मैंने 40 पहले लिए थे और 30,000 रुपए आज ले लिए और 30,000 रुपए और लेने थे, 1,00,000 रुपए लेने थे। यही 40 आप ले चुके हैं? 70 ले चुके हैं टोटल, आज के 30 और 40 पहले 70 ले चुके हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।